कमिश्नर साहब, ये आपकी एक मैडम आई हैं डॉक्टर बीनू सिंह जी। हाँ, ये कह रही हैं कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, क्या कोई अपराध हो गया या दंगा उंगा हो गया शहर में? नहीं, तो मुझे आप लखनऊ में घूमने से रोक लेंगे? क्यों, मतलब लखनऊ में मैं फ्री नहीं घूम सकता हूँ? लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ मैं? मतलब ये अपराधी हूँ मैं क्या? आपकी अनुमति से जाऊँगा मैं? कमाल हो गया। मतलब पुलिस कमिश्नर साहब, आप ये तय करेंगे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री लखनऊ में आके कहीं जाएगा तो पुलिस कमिश्नर की अनुमति से जाएगा? ये कौन से कानून में कर रहे हैं? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप शिक्षा मंत्री को रोकेंगे स्कूल में जाने से या कहीं भी? उनकी मॉडल यही है कि उन्हें शर्म आती है कि अगर मीडिया के कुछ साथी एक्चुअली सरकारी स्कूल पहुँच गए मेरे साथ में तो उनकी पोल खुल जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़ा हुआ हूँ, वो कह रहे हैं हम आपको एक भी स्कूल नहीं दिखा पाएंगे, अगर आप जाओगे तो हम पुलिस लगा के रोक देंगे। आप लोग पीछे देखिए, ये आप लोग पीछे मंत्री जी ने कहा है कि हम इनवाइट करते हैं सिसोदिया जी को, क्या है वो हमारा स्कूल देखें। ये तो प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री का ट्वीट है। आपसे तो हम कोई बहस ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री ने दूसरे शिक्षा मंत्री को बोला भाई, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। डायरेक्शन मिलेगा सर, मुझे तो फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल देखने से आप कैसे रोक सकते हो? नहीं, क्या कर रही है सर? मुझे सर ने कहा आपसे बात करवा दे, जो होगा। और अगर मैं मना करूं कि भाई मैं तो जाऊंगा स्कूल में, सर जो आगे जो डायरेक्शन प्राप्त होगा तो वहाँ पे तो बोलना पड़ेगा। तो आप अरेस्ट कीजिए फिर। सर जय ही सर, ये मनीष सर है सर, बात करना चाह रहा था। हेलो जी कमिश्नर साहब, ये आपकी एक मैडम आई हैं डॉक्टर बीनू सिंह जी। हाँ, ये कह रही हैं कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, क्या कोई अपराध हो गया या दंगा उंगा हो गया शहर में? हाँ जी, बताइए। भाई मोबाइल पीछे कर लो, पीछे करके बना लो, हम लोग भी हैं। यार कह रहा हूँ तो सुनी, मैं जा रहा हूँ इसको देखने। आपके जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि मनीष जी आइए हमारे स्कूल देखने, मैं जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे आप लखनऊ में घूमने से रोक लेंगे? क्यों, मतलब लखनऊ में मैं फ्री नहीं घूम सकता हूँ? लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ मैं? मतलब ये अपराधी हूँ मैं क्या कि मैं लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ? एक शिक्षा मंत्री के बुलाने पर आईडी लगाइए। आपकी अनुमति से जाऊँगा मैं, कमाल हो गया। मतलब पुलिस कमिश्नर साहब, आप ये तय करेंगे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री लखनऊ में आके कहीं जाएगा तो पुलिस कमिश्नर की अनुमति से जाएगा? तो मैं तो जा रहा हूँ, आप अरेस्ट कर लीजिए फिर। आप अरेस्ट करेंगे नहीं तो? ये कौन से कानून में कर रहे हैं? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप शिक्षा मंत्री को रोकेंगे स्कूल में जाने से या कहीं भी? नहीं तो आप अवैध तरीके से किसी आदमी की लिबर्टी को कर्टेल करेंगे, आप मुझे लखनऊ में घूमने से रोकेंगे, लखनऊ में कहीं जाने से रोकेंगे, तो बहस तो करनी पड़ेगी ना, किसी कानून में तो कर रहे होंगे ना आप? मैंने सूची नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं, आप माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। अब रोक लिया गया है, वजह क्या बताई जा रही है? वजह कोई नहीं बताई जा रही, वो पुलिस का यूज करके वो चाहते हैं कि स्कूल ना देख पाऊं। इसका मतलब बीजेपी सरकार योगी मॉडल मान रहा है कि लखनऊ के स्कूल, राजधानी के स्कूल भी बहुत खराब हैं और मुझे वो नहीं कहना चाहते कि मैं स्कूल देखने जाऊं। हालांकि उन्होंने ओपन चुनौती दी थी
कि आप आइए हमारे स्कूल देख लीजिए, लेकिन जब मैं स्कूल देखने जा रहा हूँ तो पुलिस का पूरा बेड़ा लगा के रोक रहे हैं। कमिश्नर साहब ने अभी फोन करके कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो आप क्या करेंगे? अभी वेट कर रहे हैं, पूछते हैं कौन से कानून पर। कुछ कानून है देश में, संविधान लागू है इस देश में। ऐसे ही थोड़ी आप लखनऊ में कोई भी व्यक्ति आएगा उसको कहेंगे आप घूम नहीं सकते, यहाँ पे जा नहीं सकते कहीं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वीडियो भी दिखाई दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की, तो क्या आप चुके योगी मॉडल तो देखने से रोक दिया, तो योगी मॉडल क्या है? योगी मॉडल यही है कि उन्हें शर्म आती है कि अगर मीडिया के कुछ साथी एक्चुअली सरकारी स्कूल पहुंच गए मेरे साथ में तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो योगी मॉडल को छिपा के रखना चाहते हैं, पुलिस के पहरे में योगी मॉडल को रखना चाहते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी आपका दौरा भी है उस लिहाज से भी है, तो विपक्ष सवाल खड़ी कर रहा है कि ये जो है मतों को बांटने की कोशिश हो रही है विपक्ष की। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही विपक्ष है, आम आदमी पार्टी, और योगी जी के कुशासन पे, योगी जी के तानाशाही पे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो केवल और केवल एक नेता बोल रहा है, संजय सिंह। लोग देख रहे हैं तो संजय सिंह एकमात्र विपक्ष है। अच्छा मनीष जी, स्ट्रेटजी क्या होगी क्योंकि यूपी के हालात आप देख रहे हैं, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में, बाकी सब शून्य के आसपास है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी 2022 के लिए? 2022 में चुनाव आएगा तो जनता देख रही है कि योगी जी ने पिछले 4 साल में कुछ उनके लिए किया नहीं है, तो वो केजरीवाल मॉडल जिसमें आम जनता के लिए बिजली, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, पानी, इन सब पे काम होता है, वो लेके आएगी जनता। कैसे अलग पा रहे हैं आप केजरीवाल मॉडल को, मतलब क्या यूपी में खराब है? और जो यही मॉडल है, हम तो चुनौती देके कहते हैं हम 1000 स्कूल दिखाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़ा हुआ हूँ, वो कह रहे हैं हम आपको एक भी स्कूल नहीं दिखा पाएंगे, वरना अगर आप जाओगे तो हम पुलिस लगा के रोक देंगे। कमिश्नर साहब से भी बात कर रहे थे आप? कमिश्नर साहब कह रहे थे जी हमें नहीं पता, बस आप फ्री नहीं है, आप जा नहीं सकते ऐसे स्कूल, तो मतलब उनको भी पता है कि उनकी सरकार जो है, जो अभी मौजूदा सरकार है योगी जी की, योगी सरकार में स्कूलों पे काम नहीं हुआ, ये कमिश्नर साहब को भी पता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।